नपा में ठेका पद्धति पर काम कर रहे सफाई कर्मी पिछले एक साल से रुकी पीएफ राशि पाने के लिए ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। जनवरी माह में ठेका बदले जाने के बाद कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि पाने के लिए जदोजहद करना पड़ रही है। बुधवार को भी कर्मचारियों ने अभा सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के बैनर तले कलेक्टर एसपी श्रम विभाग सहित नपा में शिकायती पत्र सौंपकर ठेकेदार द्वारा रुकी गई पीएफ राशि दिलाने की मांग की है। यूनियन अध्यक्ष रफीक खान ने बताया कि 90 सफाई कर्मी बतौर आउटसोर्स गजानन सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के अधीन काम कर रहे थे। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक कंपनी का अनुबंध नपा से था। इस दौरान कलेक्टर दर 9,650 रुपए प्रति माह वेतन देना तय हुआ था, लेकिन प्रति माह 7,300 रुपए की राशि ही खातों में डाली गई। शेष राशि बतौर पीएफ काटे जाने की बात कही गई, लेकिन अब 2024 में ठेका बदल गया है। पूर्व कंपनी गजानन द्वारा अब तक पीएफ के नाम पर काटी गई राशि नहीं दी गई। नपा अफसरों से बार बार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वे भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे कर्मचारियों को अपनी मजदूरी की राशि को लेकर चिंता हो रही है। कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें नई ठेका पद्धति में पीएफ की व्यवस्था से न जोड़ते हुए पूरा वेतन दिया जाए। 1.5 साल हो गए पीएफ नहीं मिल रहे हमको, 1.5-2 साल होने हो जाता है हमको पीएफ नहीं मिलता है। क्या कर्मचारी है? 90। कौन से विभाग में क्या कर्मचारी? ये सफाई कामगार में है। क्या नाम है? गंगा। और तनख्वाह भी हमको कम मिलती है, तनख्वाह भी 7,300 ही देते हैं हमारे को। कलेक्टर रेट नहीं मिलता हमारे को। 9,600 7,300 करते हैं तो क्या कह भी नहीं देता, हम आता भी नहीं, बात भी नहीं करता है वो, आता भी नहीं और ना बात करता है, बस हाउ बोल देता है, उसके बाद में कहीं भी नहीं करता है। क्या मांग कर रहे हैं? यही हमारा पीएफ जो दिए जाए, कलेक्टर रेट हमको कलेक्टर रेट दिया जाए। मैं जो पीएफ इन लोगों का नहीं डाला, कम से कम 1.5 साल हो गया है। 1 साल का ठेका रहता है, ठेका खत्म होने के बाद 6 महीने और हो गए उसमें, उसके बाद अभी तक पीएफ नहीं डाला उसने। तो ठेकेदार भोपाल रहता है और ना फोन उठा रहा है और ना कोई बात कर रहा है, जबकि एग्रीमेंट नगर पालिका से ठेकेदार का ये हुआ है कि कलेक्टर रेट इनको देना है। कलेक्टर रेट है 9,650 रुपए और ठेकेदार ने सिर्फ मात्र 7,300 रुपए दिए है, जिसमें कर्मचारी की बहुत कहानी हुई है। जैसे कितने कर्मचारी है? ये 90 कर्मचारी है, आउटसोर्स में 90 कर्मचारियों का इसको ठेका दिया है। नगर पालिका ने भी लेटर जारी करा है उसको, बाकी अभी तक के उसके लेटर का कोई जवाब नहीं आया है। नगर पालिका उसको जारी करती है ठेकेदार? नगर पालिका तो पैसा पूरा जारी करा है, बाकी ठेकेदार ने इनके खातों में नहीं डाला है। खरगोन से अब्राय पठान की रिपोर्ट।